जैसे अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप टेक्निकल सर्विसेज के लिए अनफिट हैं। टेक्निकल सर्विसेज का मतलब सारी पुलिस सर्विसेज प्लस IRTS ये टेक्निकल सर्विसेज हैं। तो कलर ब्लाइंड व्यक्ति अगर जानता है कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ तो उनको भरने का फायदा नहीं है, उनके सामने 99 लिख दे। इंटरव्यू में कोई पूछेगा तो वो बता दे मैं कलर ब्लाइंड हूँ, उसके मैंने 100 नहीं भरा था। अगर आपकी हाइट उतनी नहीं है जितनी IPS के लिए चाहिए, 165 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए चाहिए जैसे, अगर आपकी हाइट उतनी नहीं है, उससे 2-3 सेंटीमीटर कम है, तो आप IPS भरेंगे तो भी वो मिलने तो है नहीं। तो IPS और बाकी सारी पुलिस सर्विसेज जिसमें RPF भी है, DANIPS भी है और पौंडीचेरी पुलिस सर्विस भी है, इन सब सर्विसेज सामने आप 99 लिख के छोड़ सकते हैं। तो पहली बात है कि अगर आप मेडिकली किसी सर्विस के लिए अनफिट है और आप जानते हैं कि अनफिट हैं और आप चाहते हैं कि उसके बारे में आप लिख दें कि आप उसको नहीं पसंद करते हैं या नहीं उसके लिए आप फिट हैं, तो आप 99 लिख सकते हैं। हालांकि अगर आप मेडिकली अनफिट हैं उसके बाद भी आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए IPS के लिए आप एलिजिबल नहीं है, नॉक नी की प्रॉब्लम है या आंखों में ऐसी प्रॉब्लम है कि आपका जो विजन है उतना विजन नहीं है जितना IPS के लिए चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मान लीजिए आपने IPS को नंबर एक पे रख दिया, इंटरव्यू बोर्ड आपसे IPS नंबर एक पे इसी पर बात करेगा। जैसे कोई कलर ब्लाइंड हो IPS नंबर एक पे रखे, इंटरव्यू बोर्ड तो ये पता नहीं लगा सकता कि आप कलर ब्लाइंड है, वो आपसे इसी पर सवाल पूछेगा पुलिस नंबर एक पे क्यों रखा, और हो सकता है खुश भी हो जाए इस बात से कि पुलिस को नंबर एक पे रखा है आपने, क्योंकि IPS में 99% लोग ऐसे आते हैं जो IAS बनना चाह रहे थे पर नहीं बन पाए। ऐसे में यदि कोई नंबर एक पर IPS रखता है तो UPSC के मेंबर्स ये चाहते हैं कि उस व्यक्ति को IPS मिल जाए, क्योंकि कम से कम वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो IAS न बन पाने की कुंठा में नहीं रहेगा बल्कि अपनी सर्विस को एंजॉय करेगा, अच्छे से काम करेगा। अगर आपने IPS नंबर एक पर भरा जबकि आप मेडिकली फिट नहीं है तो भी आपको चिंतित नहीं होना है, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में आप अनफिट होंगे तो उसके बाद की प्रेफरेंस आपको अपने आप मिल जाएगी, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि आपकी मेडिकल फिटनेस के हिसाब से आपको सर्विस एलोकेट करें।